नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अशोक के 14 शिलालेख की। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्तमान में उपलब्ध प्राय सभी प्रमुख शिलालेख अशोक के साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में अवस्थित हैं। सभी प्रमुख शिलालेख उत्तर भारत में अवस्थित हैं। लघु शिलालेखों की भौगोलिक उपस्थिति अधिक विस्तृत है। आंध्र कर्नाटक में इनकी उपस्थिति सबसे सघन है। अभिलेख मुख्यतः प्राचीन मार्गों तथा तीर्थ मार्गों पर अवस्थित है। दक्षिण में इनकी उपस्थिति अधिकांशतः स्वर्ण खदानों के आसपास रहती थी। दोस्तों, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अशोक के 14 शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं। तो आप लोग देख पाएंगे इसे अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 विभिन्न भिन्न स्थलों से मिले हैं, लेकिन कुछ किताबों में 10 भी इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें धौली, तो यह उड़ीसा पुरी में मिली है और धौली की खोज 1837 में किट्टो ने की थी। अगर हम बात करें सहबाजगढ़ी, यह पाकिस्तान पेशावर में है। सहबाजगढ़ी की खोज जनरल कोर्ट ने 1836 में की थी। अगर हम बात करें कालसी, तो कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून में है। इसकी खोज फॉरेस्ट ने 1860 में की थी। अगर हम बात करें जौगढ़, यह उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें जौगढ़ की, तो इसकी खोज वाल्टर इलियट ने 1850 में की थी। अगर हम बात करें सुपारा की, अगर देखें थाना, यह 1882 में इसकी खोज भगवान दास ने की थी। एर्रीगुड़ी कोकरनोल आंध्र प्रदेश अनुघोष 1929 में की थी। दो और हैं गिरनार, यह काठियावाड़ा जूनागढ़ के पास, यह कंधान पाकिस्तान में, फिर शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अशोक के 14 शिलालेख प्रथम शिलालेख की बात करें, तो इसमें पशु बलि का निषेध तथा समाज उत्सवों का निषेध है। अगर हम देखें अशोक के पहले शिलालेख में, इसमें पशु बलि का निषेध तथा समाज उत्सवों का निषेध, समाज में जो कार्यक्रम होते हैं उनका निषेध है। अगर हम बात करें द्वितीय शिलालेख, इसमें सीमांत राज्यों को उल्लेख मिलता है, जैसे चोल, पांड्या, सती पुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपाणी का उल्लेख मिलता है। यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें तृतीय शिलालेख में, तो इसमें राज्याभिषेक के 12वें वर्ष युक्तों राजकों तथा प्रदेशकों के प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने तथा निम्न धर्मानुशासन को राज्य में प्रसारित करने का आदेश। इधर दोस्तों राजा लिखा गया, इधर राज्य होगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चतुर्थ शिलालेख, इसमें धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आप इसे लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की बात करें या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की बात करें, तो इसमें क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पंचम शिलालेख। इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई है तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार के आदेश का वर्णन है। अगर हम अशोक के 6वें शिलालेख में देखें, तो इसमें राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोकहित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दें। अगर हम बात करें सप्तम शिलालेख, 7वें शिलालेख में यह घोषणा करता है सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। अष्टम शिलालेख की बात करें, तो इसमें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया तथा ब्राह्मणों एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया। अगर हम नवम शिलालेख की बात करें, नवम शिलालेख, तो इसमें दास तथा सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करें, जानवरों के प्रति उदारता, ब्राह्मण एवं श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। अगर 10वें शिलालेख की बात करें, तो इसमें घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। 10वें शिलालेख यश और कीर्ति के लिए, इसमें यश और कीर्ति की निंदा की गई है 10वें शिलालेख में। 11वें शिलालेख की बात करें, तो इसमें धम्मदान की व्याख्या की गई, धम्म नीति की व्याख्या की गई है और धम्मदान साधारण दान से सबसे उत्तम है। 12वें शिलालेख की बात करें, तो इसमें किसी भी अकारण करके अपने धर्म की बढ़ाई, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, एक न एक कारण से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, अर्थात यह शिलालेख धार्मिक उदारता का परिचय भी देता है। अगर हम 13वें शिलालेख की बात करें, तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है, सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें आप लोग जानते हैं एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मैगस, अलेक्जेंडर। 13वां शिलालेख, आपका 14वां शिलालेख, अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलालेखों के ऊपर धम्म लिपिबद्ध कराया, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण देता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक के शिलालेख, आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
इसे अच्छे से देख लीजिए, आप इसके मैप देख लीजिए, आपको मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक में भी मिलेगी, उपेंद्र सिंह में भी मिलेगी। साथ में आप लोग जो पत्थर शिलालेख उसे आप देख लीजिए, अशोक के साम्राज्य देख लीजिए, अशोक के साम्राज्य कहाँ मिले हैं कहाँ नहीं मिले। अगर हम बात करें दोहराएं तो प्रथम शिलालेख में आपको पशु बलि का निषेध तथा समाज उत्सवों का निषेध मिलता है। द्वितीय शिलालेख में सीमांत राज्यों चोल पांड्य और केरलपुत्र ताम्रपाणि को लेख मिलता है। अगर हम बात करें तृतीय शिलालेख में इसमें 12वें वर्ष युक्तों राजकों तथा प्रदेशकों के प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने को मिलता है। अगर हम इसके 14 शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म नीति की चर्चा की गई है। अगर हम इसके 5वें देखें धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई है। 6वें शिलालेख में वह प्रतिवेदकों का आदेश देता है, गौशाला में पालकी हो बगीचे में प्रतिवेदक मुझे प्रजा के बारे में सूचना दें। 7वें में यह धम्म श्रवण की चर्चा करता है। अगर हम बात करें 8वें तो वह विहार यात्रा की बात करता है राज्याभिषेक। 9वें शिलालेख में वह लोग विशेषतः स्त्रियाँ जन्म बीमारी विवाह यात्रा आदि और ऐसे। अगर हम बात करें 10वें शिलालेख तो 10वें शिलालेख में यह यश कीर्ति का निंदा करता है। और 11वें शिलालेख में अशोक धम्मदान की बात करता है। 12वें में वह धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। 13वें में वह कलिंग युद्ध की बात करता है। और 14वें में आप सब जानते हैं इसमें धर्मानुशासन राजा प्रदर्शित तथा इसलिए खुदवाए गए ताकि लोग धर्म के सिद्धांतों की अनुपालना कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, इसे आगे से आगे शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच।